बोलते हैं मेरा भाई। हाँ ठीक है। हाँ मेरी जान। हर वीडियो में बेशरम की तरह आ जाता हूँ उठा के। आज बड़ा तरक्की हो गई, थोड़ी सी कार में आ रही हूँ। ऑल राइट व्हाट अप एवरीबॉडी, दिस इज अ बॉय फरहान शेख, खुशामदी टू अवर न्यू वीडियो। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत लंबे समय बाद में बन रहा है, बहुत अरसों बाद में। तो बैक स्टोरी ये है कि कल जो थी वो 8 नवंबर, कल आज ही थी ना, आज जो है वो 8 नवंबर थी। और 8 नवंबर के दिन, आज के दिन समीर भाई अपने दुकान पर आए थे, उसके पहले भी आए थे समीर स्टाइलो। तो पिछली बार जो है मैं सोया था तो मिल नहीं पाया था, लेकिन इस बार भाई और मैं दोनों भी मिले, और फोटोज़ वगैरह मैं अटैच कर दूंगा, वो भी देख सकते हो। वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बताना, लेकिन मिला था तो वही बता रहा हूँ, अपनी शॉप पर आए थे। या चलो फिर मिलते हैं, मिलते हैं मेरा भाई। हाँ ठीक है। हाँ मेरी जान। मनीष को। तो उसके बाद में अभी का जो प्लान है, अभी हम जा रहे हैं पूरे फैमिली के साथ में। फैमिली वाले यहाँ नहीं है, फैमिली वाले कार से आगे जा चुके हैं। हम जा रहे हैं घोसे। घोसे जो है वो एक पिकनिक स्पॉट भी है और डैम वगैरह भी है। तो वो चीज़ें जो है थोड़ा घूमेंगे, जो हमारे एरिया में है, जो करानला के अंदर में भी आता है, तो वो सब चीज़ें आपको दिखाएंगे और फुल एन्जॉयमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो चलते आगे की तरफ में और एन्जॉय करते इस वीडियो को। यहाँ पर मैं पावर प्लांट का वर्क चालू है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो सब सिस्टम यहाँ पर वर्क होता है, मतलब इसका काम चालू है, ये पूरा फिनिश होने लगा। ठीक है, आगे की तरफ में चलते हैं, जहाँ पर मैं अपने फैमिली वाले हैं ना, वहाँ चलते पहले तो, और वहाँ चलकर देखते हैं अपन क्या सीन होने वाले हैं। भाई तगड़े सीन है आज के, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें अरेंज की हुई है, एकदम तगड़े सीन। ये जो दिख रहे हैं ना, ये हमारी फैमिली नहीं है, ये हमारी फैमिली नहीं है। हाँ जी भैया, तो घोसे खुद पहुंच चुके हैं, और हमारे साथ में है हमारे तारिक भाई। भाई हेलो। ठीक है, तारिक भाई जो है वो मेरे जो भाई है, मतलब मेरे फुप्पू के लड़के हैं, ठीक है, बड़े वाले, तो मेरे जिगरी, और इसी को तो पहचानते हो, ये तो हर वीडियो में आना ज़रूरी है इसका। हर वीडियो में बेशरम की तरह आ जाता हूँ उठा के, इसका आना ज़रूरी है। तो अभी जो प्लान है वो बड़े तगड़े है, ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद में पता चलेगा कि प्लान क्या है। क्या प्लान है? कुछ नहीं, वहाँ पे बस थोड़ा सा खाने का इंतजाम है। वहाँ पर मैं खाने का इंतजाम, मतलब हमने खुद ने किया इंतजाम, आप बनाने वाले हैं, तो बनाने वाले जा चुके हैं। मटन कबाब है शायद। हाँ कबाब लाए थे। अच्छा, तो कबाब लाए थे बोलते हैं, तो मटन कबाब है, और बाकी जो भी वहाँ बनाएंगे वो खाएंगे। रोस्टेड चिकन थोड़ा सा। हाँ, और बाकी मुगलाई वगैरह? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है बोलते हैं। ठीक है, चिकन की तैयारी चल रही थी, लेकिन वो तंदूर नहीं मिला, तंदूर नहीं मिला, इस वजह से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अभी वहाँ पर पहुँचते, तो पहुँचने के बाद बड़े का खाना बंद कर दिया। अभी बंद कर दिए इन्होंने खाना, तुमने कर दिए, मिल ही नहीं रहा। बड़े के नल्ले भी तो नहीं मिल रहे आजकल, देखते थे हम, मिलता ही नहीं है। ठीक है, इन लोगों को मिल रहा नहीं है बोलते, तो उनको अभी जाके मैं दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है वहाँ पर। मैं तो यहाँ पर मैं और एक जन से मिला रहा हूँ, जो हमारे पुराने मेंबर है, शाहरुख भाई, ब्लॉग चालू अपना। तो शाहरुख भाई जो है अपने पुराने मेंबर है, तो शाहरुख भाई क्या हाल है यहाँ के अभी? बढ़िया, अभी खाना ना बन गया है। हाँ, खाना ना खा के जाना। हाँ, पाए वाए लाए हमने, कबाब वबाब बन गया, मौसम बड़ा अच्छा है वैसे यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ का जो है खाना वगैरह बन चुका है, अंदर के सीन ये पूरे फैमिली वाले हैं। ठीक है, और मयूर भाई को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया मैंने। हेलो भाई। हाँ, मागा आलता नहीं। ठीक है, मागा नया हूँ तो पानी ज्यादा आ रहा था। पिछली बार जो ब्लॉग में शाहरुख भाई को देखे थे मुक्ति के लिए, जो भाई गया था, यही बंदा भाई के गया वापस लाए। तो अभी जो ऊपर में है मेन सीन है, वहाँ जाने वाले और वहाँ से सब देखने। हमारा ड्राइवर भाई पंचर हुई इसकी गाड़ी, वो आया है, वो लटक गया बेचारा रास्ते में। तो बस कुछ नहीं, यहाँ खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद में उधर जाने वाले, ऊपर की तरफ, उधर दिखाओ ना, उधर डैम है, तो वहाँ जाने वाले, और रील्स और फोटो वगैरह शूट सब हो गए, और शाहरुख भाई के जाते फोटो शूट हुए। तो शाहरुख भाई के अगर से फोटो शूट इधर भी दिखा दो, शाहरुख भाई के फोटो शूट अगर से देखना होगा तो इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि अपने व्यूज अभी अच्छे जाए। आज बड़ा तरक्की हो गई, थोड़ी सी कार में आ रहे हैं। आज जो है थोड़ी तरक्की हो गई, आज कार के ऊपर में आ रहे हैं हम।
और बाकी ये है गोसे खुद का डैम। वो वाला काम जम बढ़िया जम का ये अब क्या पानी आएगा ना अब ये पुलिया नहीं रहता आगे में क्या इसके आगे में क्या आगे में कुछ देख रहा हूँ आगे में हो सका अब जब यहाँ पर मैं मॉडिफाई होगा तब डबल होगा शाहरुख भाई के साथ में और मॉडिफिकेशन दिखा के जाऊंगा। तो हमारा खाना पीना सबका दबा के हो चुका है। तुम्हारा होगा शाहरुख भाई दबा के एकदम तुम्हारा हो गया ठीक है सबका खाना एकदम दबा कर हो गया। जो पानी आ रहा है ना उधर मच्छी का ये है यहाँ से पूरे मच्छी आ रही है वो बिजली बन के आ रही है नहीं तो मच्छर के लिए अपन खुद नहीं थे क्या हमने के टाइम मच्छर का उधर ये गेट पे नहीं तो यहाँ पर मैं फिश का और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का वो पानी यूज होके फिर इधर फेंक रहे हैं नदी समझा वो पावर प्लांट से जो है पानी यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट हो रही है फिर बाकी का वेस्ट जो बचा हुआ पानी है वो इधर डाल रहे हैं ठीक है। तो अभी जो हम जा रहे हैं घोसे गाँव घूमने के लिए बाकी के नहीं है बाकी के लोग वहीं पे हैं वहाँ घूमेंगे वहाँ कुछ है ऐसा घूमने लायक नहीं लेकिन देख लो बस गांव है तो वो गांव तक के जा रहे हैं बस वो गांव घूमेंगे वापस चलेंगे और फिर जो मेन स्पॉट है जो ऊपर की तरफ में जाना है वो दिखा दो बस आपके सामने जो है ये वो मेन घोसे खुद डैम और ये हमारी कार है हमारे भैया की जो उन्होंने बोले अपग्रेड हो गई करके ठीक है। तो मयूर भाई से अच्छे से नहीं मिले होंगे तो अच्छे से शक्ल देख लो और कोई पसंद करता होगा तो डीएम कर देना भाई लोग यहाँ कपल स्पॉट है पूरा ये जितना भी है चलो ऊपर चलो अभी हम जा रहे ऊपर अच्छा इधर से एक है ठीक है यहाँ से जाके यहाँ से जाना है अंदर जाती थी बिल्कुल गेट गाड़ी अंदर जाती थी पानी में जाती थी पहले साल हम मस्त था रे पहले मस्त था शाहरुख भाई जब बचपन में छोटे थे तब यहाँ आते थे घूमने के लिए बाइक से लेकिन उम्र के साथ में ये बड़े हो गए पेट्रोल डालते थे उम्र के साथ में ये बड़े हुए उस वजह से ये सब काम करवाना पड़ा और ये रास्ता है ठीक है कल से दो लेबर लगा के गिनना चालू कर देते मयूर भाई तुम दो लेबर एक्स्ट्रा लगाना इनके लेबर में भरोसा नहीं है मेरे को ऐसे तो अपन चलते चलते ऊपर पहुंच जाएंगे ऊपर ही तो जा रहे हैं ना तो वही ऊपर पहुंच जाएंगे ना देख अभी मैं ऊपर टर्निंग से मर्जी चलते थोड़ा सा अलग अनुभव है यार देखो मैं पहुंच गया ऊपर और इससे ऊपर जा रहा
पकड़ो 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 पकड़ो, मेरा सिनेमैटिक बनाना, सिर्फ सादा ऐसा ज बना, शूट चालू है वैसे रन। से नीचे आ गए क्योंकि ऊपर में पुलिस वालों की बहुत सारी गाड़ी आई है, बहुत सारी, क्योंकि कोई तो भी मंत्री आने वाला है और वो मंत्री के लिए इतना सब कुछ बंदोबस्त किया हुआ है, इसलिए ऊपर से नीचे आए। और अब यहाँ से कहा पीछे की तरफ में जाएंगे कि हो गया बस जाना है, हो गया अब जाना है, हो गया बस यहाँ से जाना है, ठीक है। फोन आ चुका है फैमिली वालों का, सबका हो चुका है सब कुछ, अब यहाँ से बस जाना है, निकलना है। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने, ये कैसे थे। तो आपको बतानी थी बहुत एक खतरनाक चीज, जो गांव है, गांव नहीं, गांव पूरे खाली कर दिया, डैम के अंदर में जो है पूरा पानी भर चुका है और गांव जो है वो पूरे डूब चुके हैं, पूरा बैक साइड उधर का भर चुका है, तो लोगों को जो है वहाँ से खाली कर रहे, ठीक है, तो लोग वहाँ से बाहर निकाल रहे, तो ये अब भी हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो ये देखो ये लोग आ रहे हैं, वो इनको वहाँ से निकाल दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ से यहाँ पर मैं मजदूरी करने के लिए आया था, ठीक है, लेकिन और ये दोनों भी वही है शरद भाई, इनका काम खत्म हो गया और इनका बेचारों का डूब गया, और ये छोटी वाली मजदूर थी आयशा, आयशा हम लोग आए थे पार्टी करने के लिए, गाइस हम लोग की पार्टी खत्म हो गई गाइस। और बाकी अभी जो है वो गार्डन की तरफ में चल रहे, तो अभी बीच में कुछ नहीं लूंगा, दूसरा गार्डन है पवनी का, सिंहपुरी गार्डन, पवनी का एक सिंहपुरी गार्डन है, वहाँ चल रहे अभी, तो वहाँ का सीन दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये जो रिवर है, ये रिवर जो अपनी वैनगंगा जाती है डैम से, हाँ वो रिवर को लगती गार्डन है, ठीक है, तो ये जो वैनगंगा रिवर जाती है डैम को लगकर शायद वहीं पे, तो वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ सब कुछ डिटेल में। वापस जाना है क्या? ओ बाइक, कार कार कार, ये देखो इसको जो है जल्दी ऊपर जाना है। और जिस घोसा डैम से हम आए हैं, तो ये है पवनी की मेन वैनगंगा नदी, ठीक है, ये वाली भी रिवर का पानी जो एक जगह जमा होता है वो इसी रिवर से फ्लो होता है, डैम में जो भी पानी जमा होता है ना वो ये वो इसी रिवर से फ्लो होता है। तो ये जो जगह है यहाँ पर मैं गौतम बुद्ध की मूर्ति और उसके अंदर में लगा हुआ है ओरिजिनल डायमंड, ऐसा इनका बोलना है, ठीक है, अगर से ओरिजिनल डायमंड रहा तो सबसे पहले यही गायब करेंगे, और नहीं रहा तो मेरे को अंदर ले जाए। हाँ कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, आ रहा है बाहर से चमकते हुए दिख रहा, बाहर से चमकते ओरिजिनल डायमंड अंदर में, ये भी 6-7 बजे के बाद बंद हो जाएगा। ये जो हीरा लगा हुआ है, ये हीरा छोटा सा, एक दो हाँ चार भाग में बनी हुई है मूर्ति, चार अलग अलग हिस्से बने हुए हैं देखो, तो ये मूर्ति में जो हीरा लगा हुआ है वो कम से कम 4-5 करोड़ का है, सिर्फ वो हीरा लगा हुआ, इसलिए इसको रात में बंद कर देते, 4 से अभी मतलब 6 या 7 बजेंगे तो पूरा बंद हो जाएगा। और बाकी मूर्तियाँ तो पहचानते हो, ये बाबा साहेब अम्बेडकर है, ये गौतम बुद्ध, और इनकी नहीं पता ये कौन है, तो कोई जानता हो तो कमेंट कर सकता है। और बाकी पूरा डिजाइनिंग वर्क है यहाँ पर, ये पूरा
एक्चुअली बहुत समय हो गया मतलब ऐसा व्लॉग नहीं किया तो समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से करना है, लेकिन इसके 15-20 दिन बाद में मतलब 15-20 दिन ही बोल सकते, ये जो भी संडे आने वाला है उस संडे को हमने एक ट्रिप प्लान किया है, उसमें हम 6 लोग जाने वाले, तो बस मतलब इतने समय मैंने सिर्फ ये किया, 3-4 महीने वीडियो नहीं बना के बिज़नेस एक्सपांड किए और बाकी जो शॉप वगैरह थे उनको एक्सपांड किए, बड़ी किए, बाकी काम वगैरह चल रहा था वही सब चल रहा था, तो वही चक्कर में कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक ट्रिप प्लान हुआ है वो ट्रिप के बारे में आपको जरूर बताऊंगा और उसका पूरा ब्लॉग आने वाला है, ठीक है, वो ब्लॉग के लिए मैं बनाने वाला हूँ एक सीरीज, वो चीज़ें आपको पूरी की पूरी देखने मिलेंगी, और बाकी बस हो गया यहाँ से घूम के, बता दिया मैंने हीरा कम से कम 4-5 करोड़ का है, लेकिन छुड़ाने के बारे में कुछ सोचना मत, और बाकी तो कुछ है ही नहीं यहाँ विचार करने लाइक मैंने। चलो बाकी ये मयूर भाई को पूरा मालूम है कितने का हीरा है, वो 24 कैरेट का है, अपने को रेट का अंदाजा, रेट का अंदाजा नहीं, 4-5 करोड़ के लगभग होगा, होगा। और बाकी बस ऐसी कुछ आर्टिनरी डिज़ाइन है यहाँ पर, मैं बस इतना सब कुछ बताना था। मेरे में फोन पर डाल देना है ना। हाँ ठीक है, मैंने नहीं बनाया। अभी तुम बनाते ही एंजॉय करते थे। हाँ वही तो, बच्चों को पकड़। हाँ वही तो, बस तो इससे आगे भी गार्डन है, लेकिन आज का ब्लॉग जो वहीं पे एंड करते हैं, और बाकी का वीडियो जो है मतलब अगले संडे को जो ट्रिप होंगी उस ब्लॉग में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ एग्जैक्टली कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, तो अभी के लिए उसको सस्पेंस रखते और एक सस्पेंस वाला गेम बना रहने देते, बाकी तो पोस्ट जो भी है इंस्टाग्राम पे आने वाली है। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।